स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वन लाइफ फैमिली में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग का एनिवर्सरी का पार्टी का तैयारी हो रहा है। ये मेरा शादी का पहले का फोटो है, जब मेरे हस्बैंड हमको देखने गए थे उस टाइम का फोटो है। और ये हम अपने हस्बैंड को देखे थे फोटो में, वो फोटो है। तो यही वाला फोटो देख के हम अपने हस्बैंड को पसंद किए थे। तो फाइनली गाइस हम लोग का शादी हो चुका है और ये हम लोग का शादी का फोटो है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये दोनों है शादी का पहले का फोटो और ये हमारा शादी का फोटो है। दीदी आई हुई है, दीदी आ जाइए 12 बजे को। और दीदी भी मेहनत कर रही है, हम लोग का तैयारी में लगी हुई है। जब से आए तब से ही मेहनत कर रही है, आगे तैयारी में लग चुकी है। और दीदी के साथ हल्का फुल्का मस्ती भी कर दे रहे हैं। मेरी भांजी है, पूरा जी जान लगा दिए। मामी का और मामा का एनिवर्सरी है तो पार्टी बहुत एंजॉय करेंगे। तो बंगला वो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी चूड़ी बाकी है तो चूड़ी पहन लेती हूँ। आज की वोट है नो, आज की वोट बोल, आज की वोट है, की वोट है बर्थडे कार एनिवर्सरी 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 वोट है बिहार एनिवर्सरी मामा बिहार सालगिरह वोट है सालगिरह वाह पेरेंट्स की वोट है नो, आज के हैप्पी एनिवर्सरी वोट है। गुनगुन भी आ गई है और मिलन ठीक ठीक बाल नहीं हुआ गया, टिक टिक भी आ गया है। गुनगुन और टिक टिक कहाँ छुप रहा था टिक टिक, बहुत दिनों के बाद मामा पाउडर बहुत ज्यादा लगा लिया है कि पसीना है, बहुत दिन के बाद आए लगा। हाँ टिक टिक इधर इधर गुदगुदा के देखना तो जरा भाग रहा है। अब तो कथा वाला थी, आज की वोट है बोल बोल, आज के की वोट है अमन शुभम रहता तो काफी और भी अच्छा लगता। तो फाइनली गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारी पूरी फैमिली तो नहीं कह सकते लेकिन हमारी आधी अधूरी फैमिली आप कह सकते हो। इधर आप देख सकते हो सबसे पहले बचाओ कि पापा से आपको मिला, पापा इधर है और इधर गुनगुन है, हाय कर गुनगुन, इधर जमुना है तो ये बहनी है और इधर है वर्षा, शायद दिख नहीं रहे होगी इधर वर्षा मेरे पीछे ठीक पीछे है और इधर तो देख ही रहे होगी वहाँ पर। और इधर मेरी छोटी बहन है और इसके ठीक बगल में ही मेरी सबसे बड़ी दीदी और सबसे बड़ी दीदी के ठीक बगल में मेरी मल्ली दीदी है जो दूसरे नंबर पे आती है और इसके ठीक बगल में सिद्धांत है जो कि मेरा भगना है और इधर टिक टिक है और ये सबसे छोटा मेरा भगना है और ठीक बगल में ही मेरी माँ है और मेरी माँ के ठीक बगल में जमुना है जो कि हमारी फैमिली है। और इसके अलावा आप देख सकते हो ब्लू कलर में जो पहना हुआ है शेरवानी वो मेरा सबसे छोटा भाई है। और दो मेम्बर सिर्फ और सिर्फ नहीं है जो कि अमन और शुभम नहीं है जो कि कह सकते हो पढ़ाई में लीन है और अभी हॉस्टल में है और इस वजह से उन लोग के आने की परमिशन नहीं दी गई है। हाँ भैया लोग भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा शुभम और अमन को क्योंकि वो लोग रहते तो बहुत ज़्यादा मस्ती और ब्लॉग को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ कुछ इस तरह या फिर इससे भी बेटर अच्छे से एनिवर्सरी मनाते होंगे। तो चलिए हमारी फैमिली कुछ इस तरह से एनिवर्सरी मनाती है जो कि आपको मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। चला दें का दर्द नहीं, अरे ये तो चला ही नहीं, कैसा हुआ? अच्छा खैर कोई बात नहीं, अच्छा नहीं ठीक है।
इधर भी इतना बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई।